नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे पता कर सकते हैं कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे कोई फेक लोन अकाउंट तो नहीं चल रहा है। ये हमको तब पता चलता है जब हम कोई चीज फाइनेंस कराने जाते हैं या कोई पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं या होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं और पता चलता है कि हमारे क्रेडिट रिपोर्ट पे एक ऐसा लोन अकाउंट है जो हमारा है ही नहीं। अब उसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे आप चेक कर सकते हैं, कहां आपको सही डिटेल आपको मिलेगी, आज मैं आपको वही बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट हो गया है अपने क्रेडिट रिपोर्ट को सही रखना, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कोई पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड या कुछ भी चीज अप्लाई करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से। लेकिन आपको जो है, मैं आज आपको इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि जो है आपको सारी क्लैरिटी हो जाए और वहीं से जो है आप इसको क्लियर कर पाए और कैसे आप हटा पाएंगे वो सारी जानकारी दूंगा। सिर्फ 2 मिनट का आप मेरे को टाइम देंगे तो मैं जो है सारी बातें आपको अपने पीसी पे लेके जाता हूँ और सारा चीज आपको दिखा दूंगा कि कैसे जो आप चेक आउट कर सकते हैं और सही डिटेल कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम अपना फ्री क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं तो जाके गूगल में सर्च करते हैं फ्री सिबिल स्कोर या फ्री स्कोर कैसे चेक करें, क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करें, बिना पैसे दिए क्रेडिट रिपोर्ट कैसे देखें, हम लोग यह सर्च करते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आप यहां पर देख सकते हैं ये ट्रांसयूनियन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर www.cibil.com आ रहा है, आपको इस पे जाना है। आपको यहां पर बजाज फिनसिप का भी दिख रहा होगा। अगर आप यहां पर चेक करते हैं तो हो सकता है कि रैंडम कॉल्स आने लगे आपको बस बजाज फिनसिप से, लेकिन यहां पर जो है आपको कोई कॉल नहीं आएगा। आपको सर्च करना है, जैसे फ्री स्कोर क्रेडिट स्कोर आपने चेक किया फिर आपको यहां पर जाना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके पास इस तरीके का पेज आएगा। यहाँ पर फिर आपको जाना है गेट योर सिविल स्कोर पे। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा देखना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका ईमेल आईडी मांग रहा है, तो ईमेल आईडी जो आप डालेंगे ना वही आपका यूज़र नेम बन जाएगा। पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके एरिया का पिन कोड और नंबर आप यहाँ पर डाल के इसको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो OTP आएगा। OTP जैसे ही आप सबमिट कर देंगे दोस्तों, उसके बाद आपके पास इस तरीके का पेज आ जाएगा जो जहाँ पर अभी मेरा क्रेडिट स्कोर 789 आपको दिखा रहा होगा। आपको फिर जाना है क्रेडिट रिपोर्ट पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं व्यू योर क्रेडिट रिपोर्ट, आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे आप इस पर टिक करेंगे दोस्तों तो आपके पास एक सेपरेट पेज ओपन जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो मेरे लोन ओपन है वहाँ की सारी डिटेल दिखा रही है। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर क्लोज लोन दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये जितने भी लोन दिखा रहे हैं, अब मैं एक एक करके चेक कर सकता हूँ कि यहाँ पर ये लोन मेरा है कि नहीं। जैसे ये मनापुरम का गोल्ड लोन दिखा रहा है दोस्तों, तो ये मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये मेरा ही है। और उसके बाद मैं बाकी के सारे डिटेल देखता हूँ, जैसे ये मनापुरम का है, मथुट का है, मथुट का है, IDFC का है, बजाज का है, बजाज का है, ये भी बजाज का है। तो मेरे को एक एक चेक कर लेना है कि इसमें से मेरा ही सारा लोन है या कहीं किसी और का भी है। तो आप यहाँ से जो है चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये क्रेडिट, जैसे ये क्रेडिट रिपोर्ट में ये लोन अकाउंट आपका नहीं है बजाज फिनसिप का, जिसका लोन अकाउंट नंबर ये यहाँ पर मेंशन है, आप चेकआउट कर लीजिएगा और फिर आपको बजाज को मेल करना है या उनके कस्टमर केयर पे बात करनी है और ये आपको लोन अकाउंट नंबर यहीं पर ही दिख रहा है, ये बताना है कि ये मेरा नहीं है, आप इसको प्लीज़ मेरे क्रेडिट रिपोर्ट से हटवाइए। हो सकता है कि वो आपसे कंट्रोल नंबर मांगे तो कंट्रोल नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर की तरफ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ से जो है आप अपना क्रेडिट रिपोर्ट निकलवा सकते हैं, कोई फालतू के कॉल्स नहीं आएंगे आपके पास, बिल्कुल सेफ जगह है जहाँ पर आप अपना एग्जैक्ट क्रेडिट रिपोर्ट निकलवा सकते हैं। और आप जो कहते हैं कि यहाँ पर पैसे मांग रहा है तो आपको जो मैंने तरीका बताया फ्री क्रेडिट रिपोर्ट का, तो वैसे ही करके आपको जाना होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।